दोस्तों आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम ल्यूसेंट की इंडियन पॉलिटी की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक 9, सब टॉपिक नंबर 3, गर्मपंथी और उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1917। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में 1905 से 1917 की अवधि को कहा गया है, तो इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासन का सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य जिसे उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था वो क्या था? वो था बंगाल का विभाजन 1905 में। ठीक है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भरता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। ये कब बनी थी वो आपको बताना है। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वारसराय जो था वो कौन था? वो वारसराय थे लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे? वो थे हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं, तो किसने ये मारा था? तो ये आया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्लेमेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1909 में किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या था? तो इसका सर्वग्राही नाम था मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत के में किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी भारत में 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म के तहत। भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता जो आता है वो किसे कहा जाता है? भारत में बाल गंगाधर तिलक को गर्म दली आंदोलन का पिता कहा जाता है। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी और रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो उन्होंने किया था स्वराज्य। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो आता है 1905 वर्ष ईस्वी में हुई थी। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? मद्रास में होम रूल के प्रवर्तक थे एनी बिसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका जो थी वो कौन सी थी? वो थी केसरी। कौन सी पुस्तिका थी? केसरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो वो थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेर ए पंजाब जो आता है वो किसका उपनाम था? लाला लाजपत राय का नाम था उपनाम। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व जो क्या था? तो वो ये था कि राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया था। कब? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुशीलन समिति जो आती है वो संबंधित है? तो अनुशीलन समिति वी डी सावरकर से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। अल हलाल हिलाल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन जो आता है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जो आता है वो बाल गंगाधर तिलक को आता है। और बाल गंगाधर तिलक का एक वक्तव्य वो है कि तुम मुझे घूम दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उनका है, तो आपको बताना है किसका है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व था वो किसने किया था? ये किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम जो था वो क्या हुआ था? वो ये हुआ था, दूरगामी परिणाम भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। ठीक है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी? वो की थी डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही लोगों के द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया? तो ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप पुनः एकीकृत हुआ, कब हुआ था? एकीकृत 1911 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल के नेता से जो था संबंधित था? अरविंद घोष था। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीम मुल्ला खान ने की थी। इस तरीके से ये एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है इस टॉपिक का। नेक्स्ट पार्ट आपको अगले दिन मिल जाएगा। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।